बढ़ते आगे, केंद्र सरकार पर बरसे हैं आरपीएन सिंह। किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार का तानाशाही रवैया, आरपीएन सिंह ने कहा है झारखंड सरकार कर रही है बेहतर काम। आरपीएन सिंह ने कहा है कि जनता से किया वादा पूरा करेंगे। भ्रष्टाचार पर राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस है। इस महीने के अंत तक 20 सूत्री बनेगा। रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम, राजेश ठाकुर, केशव महतो को मिला है इसका जिम्मा। तानाशाह के जैसे अपने ही रवैया कर रही, दुर्भाग्य है कि 70% लोग इस देश में या तो किसान हैं या खेतों में मजदूरी करते हैं। इस सरकार ने उसी पर और उन्हीं पर वार किया है। कांग्रेस पार्टी संकल्पित है कि किसानों की कोई भी पीड़ा हो, कोई भी समस्या हो, उन समस्याओं के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। बड़े गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि हमारी गठबंधन की सरकार ने किसानों को राहत पहुंचाने के लिए इलेक्शन के मैनिफेस्टो में साफ तौर से कहा था कि हम लोन माफ करेंगे, और वो कार्य आपके प्रदेश में शुरू हो गए। दूसरी तरफ वही एक केंद्र की सरकार है जो किसानों पर बर्बरता कर रही है, और वो आपको भी जानकारी है, पूरे देश को जानकारी है। विपक्ष झारखंड में तमाम उंगलियां हमारी सरकारों पर, हमारी सरकार पर उठाती है। झारखंड में साफ तौर से कहना चाहता हूं, एक साल कोविड के बावजूद तमाम क्रांतिकारी कदम हमारे सरकार ने उठाया है, उनको सबको गिनवाना नहीं चाहता हूं, पर आप लोग उसको कवर करते आए। और भारतीय जनता पार्टी रोज ना रोज कुछ बात कहती है, पर मैं साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं और झारखंड के वासियों को साफ तौर से अस्वस्थ करना चाहता हूं कि ये सरकार 5 साल के लिए झारखंड के वासियों ने बनाई है, और जो जो संकल्प और जो जो वादे हमने झारखंड के वासियों के साथ किया, जिस उम्मीद से उन्होंने हमको वोट दिया, उन सारे उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। और 5 सालों में जो जो हमने वादे अपने मैनिफेस्टो में किए, उनको हम पूरा करने का प्रयास अवश्य करें। कुछ चीजें जल्दी हो गई हैं, कुछ चीजों में कुछ संकट आ रहे हैं, उस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। हमारे अध्यक्ष भी यहां बैठे हैं, वित्त मंत्री भी यहां बैठे हैं, और इसकी कई बार चर्चा हो चुकी है। एक साल पूरे होने पर तमाम नई हमने योजनाएं शुरुआत की हैं, उनको भी पूर्ण करने के लिए हम काम करें। साफ तौर से दूसरी तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि करप्शन पे कांग्रेस पार्टी का सख्त निर्देश है, नो टॉलरेंस रहेगा जहां तक भ्रष्टाचार की बात है। एडमिनिस्ट्रेशन में इसको लेकर पूरी तरीके से हम लोग की बात भी हुई है, और इस पे नो टॉलरेंस लेवल की बात की गई। तमाम कमेटियां होती हैं, जो निगरानी की कमेटियां होती हैं, जो 20 सूत्री की कार्यक्रम होते हैं, 15 सूत्री कार्यक्रम हैं, इनको जो लोग मॉनिटर करते हैं, जो गांव में छोटा आदमी रहता है वो इस पे निगरानी रखता है। अगर जैसे कि हमारे पीडीएस सिस्टम में जिस तरह हमने अनाज पूरे क्षेत्र में पहुंचाया, कोविड के समय में किचन बनाया,
और कहीं भी गड़बड़ी पाई गई तो उसमें तमाम हमने एफआईआर भी करने का काम किया गया। पीडीएस एक सिस्टम है जहां 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के राज में बड़ा लीकेज था, तो निगरानी और 20 सूत्री के कार्यक्रम से हम इसको समाप्त करने की बात अवश्य करेंगे। इसमें साफ तौर से हमने 4 लोगों की कमेटी बनाई है जो जेएमएम के साथ बात करके इसको, जो क्योंकि कुछ जेएमएम के भी लोग रहेंगे, कुछ कांग्रेस के भी लोग रहेंगे, बाकी पार्टियों के भी लोग रहेंगे, इसको तत्काल, पहले तो बंटवारा होगा कि कितने जेएमएम के लोग रहेंगे, कितने कांग्रेस के लोग रहेंगे, इसको तत्काल हम वार्ता शुरू करने के लिख दिया है। चिट्ठी भी रमेश्वर राव जी ने लिख दी है कि इसके अंदर तत्काल इसके अंदर तेजी लाने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि ये डिसीशन जो है ये इस महीने के अंत तक पूर्ण हो जाना चाहिए कि किसके हिस्से में कौन से 20 सूत्री के और बाकी जो वो हैं आने चाहिए।